शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में जांच में जुटी सीबीआई मंगलवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी ले रही है। जांच एजेंसी के अफसर गाजियाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में है। यही डिप्टी सीएम का लॉकर है। आपको बता दें कि सीबीआई ने फिलहाल बैंक के गेट बंद करके अपनी जाँच शुरू कर दी है। वहीं सिसोदिया बैंक में अपनी पत्नी के साथ भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लॉकर को उसके खाता धारक की अनुमति और उपस्थिति के बिना नहीं खोला जाता है, इसलिए मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा को यहां बुलाया गया है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम बनने से पहले मनीष सिसोदिया गाजियाबाद के इसी वसुंधरा इलाके में रहते थे। वहीं सीबीआई ने इससे पहले 19 अगस्त को सिसोदिया के घर की 24 घंटे तक तलाशी ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।